ओम शांति। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस। सारे विश्व के अंदर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ताकि आने वाले जनरेशंस इस प्रकृति का आनंद ले सके। परमात्मा ने हम सभी को बहुत सुंदर ये खेल समझाया है। ये खेल है ही 3 सत्ताओं के बीच। एक है पुरुष यानी आत्मा, परम पुरुष परमात्मा जिसको प्रकृति पति भी कहा जाता है, और तीसरा है प्रकृति। ये 3 सत्ताओं के बीच में ये संसार का खेल चलता रहता है। और ये हम सभी जानते हैं कि एक है बाहर की प्रकृति, एक है मनुष्य की आंतरिक प्रकृति। और हमेशा ये देखा गया है कि मनुष्य की आंतरिक प्रकृति का ही प्रवाह बाहर की प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है। तो इसीलिए आवश्यकता है कि हम आंतरिक प्रकृति को सही करें, ताकि बाह्य प्रकृति को भी हम सुरक्षित रख सकें। वैसे भी देखा जाता है कि मनुष्य जब कोई भी पेड़ पौधा बोता है, डालता है धरती के अंदर, और उसको जितना शुद्ध वाइब्रेशंस देता है, उतना वो पेड़ पौधा फलता फूलता है। इसीलिए अगर हमें अपनी आंतरिक प्रकृति को सही करना है, तो परमात्मा प्रकृति पति हमें यही ज्ञान देते हैं कि हमारी अनादि आदि प्रकृति बहुत सात्विक स्वतोप्रधान थी, और उस प्रकृति में जब हम अपने मन को स्थित कर देते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम उस वाइब्रेशंस को चारों ओर प्रवाहित करेंगे और बाहर के नेचर को भी बहुत सुंदर फलीभूत कर सकते हैं। तभी तो भारत देश के लिए ये गायन है कि आने वाले समय में जिस भारत के लिए कहा जाता है कि ये भूमि जो एक बहुत सुंदर आभा लिए हुई थी, उस आभा को हमें पुनः विकसित करना है और पर्यावरण का संरक्षण करना है। प्रकृति पति परमेश्वर आकर के उस अनादि संस्कारों में हमें स्थापित करते हैं। यही कहते हैं कि हे आत्माएं, स्वयं को आत्मनिश्चय करो, परमात्मा को याद करके उस परमात्मा से वो सकारात्मक शक्ति स्वयं में भरते जाओ, और वही सारे संसार में प्रकृति के अंदर उसको प्रवाहित होने दो, ताकि ये प्रकृति पुनः फलीभूत हो जाए। और आत्माओं में जब ये सात्विक प्रवाह सात्विक ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे, तो सारे संसार के अंदर एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम पुनः जागृत करके इस संसार को स्वर्गीय संसार सहज बना सकते हैं। तो इसी विधि से आज ये पर्यावरण दिवस मनाते हैं। दृढ़ संकल्प करते हैं अपने आप से कि आज से हम प्योर निर्मल वाइब्रेशंस को ही प्रकृति को प्रदान करेंगे, उनकी सुरक्षा करने के लिए यही प्यार भरे वाइब्रेशंस, निर्मल वाइब्रेशंस, प्योर वाइब्रेशंस को प्रवाहित करते हुए उनको सुरक्षित रखेंगे। कुछ क्षण के लिए मन को उस सात्विक प्रकृति में स्थापित करते हैं, आत्मस्वरूप में स्थित। मैं आत्मा,
शुद्ध पवित्र और वह पवित्र प्रकंपन को चारों ओर प्रकृति में प्रवाहित होने देती हूं। ये प्रकृति बहुत सुखदायी है। प्रकृति सात्विक सतोप्रधान है। परमात्मा की अनंत ऊर्जा स्वयं में धारण करते हुए को सर्वशक्तियों की ऊर्जा को चारों ओर वातावरण में भी प्रवाहित करते हैं।